जय माँ शारदे। आज मैं आपको बताऊंगी कि दशहरे में अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको उत्तम फल प्राप्त होता है। आज हम आपको बताएंगे कि दशहरे में आप नारियल के गोले से क्या उपाय कर सकते हैं। इसे करना ना भूलें। अगर आप इसे करते हैं तो आपको उत्तम फल प्राप्त होता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नारियल का बहुत ही महत्व है। मंदिर में नारियल फोड़ने और चढ़ाने का रिवाज है। हिंदू धर्म में वृक्षों के गुण और धर्म की पहचान करके उसके महत्व को समझाते हुए उसे धर्म से जोड़ा गया है, जिसमें नारियल का पेड़ शामिल है। और ये पूजा पाठ में बहुत काम आता है और नारियल को हम श्रीफल भी कहते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको कि दशहरे में आप नारियल से ये कुछ टोटके करना ना भूलें। अगर आप इन्हें करते हैं तो आपके जीवन में आपको उत्तम फल प्राप्त होता है। आप चाहे इसे नारियल के उपाय समझ लीजिए या फिर आप नारियल के टोटके। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपके ऊपर ऋण या कर्ज ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको उतारने के लिए आपको क्या करना है कि एक नारियल का गोला लेना है। और उसके बाद उसमें आप क्या करेंगे, नारियल का गोला, आप पानी वाला नारियल ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे कि चमेली का तेल मिला करके और सिंदूर से उसमें स्वास्तिक बना लेंगे और कुछ लड्डू का भोग लगा करके या गुड़ चना का भोग लगा करके आप हनुमान जी के मंदिर में जा करके उनके चरणों में अर्पित करेंगे। और इसके बाद ऋण मोचन मंगल स्तोत्रम का अगर आप पाठ करेंगे और उसके बाद इसे चढ़ा देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपका ऋण है वो धीरे धीरे, कर्ज है वो उतरना शुरू हो जाएगा। तो ये उपाय आपको दशहरे में ही करना है। उपाय आज का ये है कि अगर आपको व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है, बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है, बिजनेस आपका ठीक से नहीं चल पा रहा है, तो कारोबार में लगातार जो घाटा और हानि हो रही है, तो आप क्या करेंगे, दशहरे के दिन एक नारियल ले लेंगे। चाहे आप गरी का गोला ले लीजिए और चाहे आप पानी वाला नारियल ले लीजिए। उसमें क्या करेंगे, 1.25 मीटर पीला वस्त्र लपेटेंगे और उसके साथ में जनेऊ जो आता है उसको भी उसमें लपेट करके और 1.25 किलो मिठाई भी आपको लेना है। और जा करके दशहरे वाले दिन किसी राम मंदिर में अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपका व्यापार तत्काल चलने लगेगा और धीरे धीरे जो उसमें घाटा हो रहा है वो कम हो जाएगा। जो आज का उपाय है, तीसरा उपाय, वो ये है कि अगर आपके घर में काल सर्प दोष या शनि दोष है या राहु केतु या फिर आप इसे नवग्रह दोष भी बोल सकते हैं कि आपको उसकी समस्या है, ऊपरी कोई बाधा है या फिर आपका बनता काम बिगड़ जाता है, आपको अनजाने में भय रहता है या फिर आप डरते हैं कि आपको किसी ने कुछ करा दिया है, या फिर राहु केतु जो होते हैं वो समस्या खड़ी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि परिवार के सभी सदस्यों को एक जटा वाला नारियल ले लेना है और उसमें 1.25 मीटर काला कपड़ा भी ले लेना है। उसके साथ में आपको 100 ग्राम काले तिल और 100 ग्राम उड़द की दाल लेकर के और 1 कील लोहे की जो कील आती है उसको लेकर के आप क्या करेंगे कि जिसके ऊपर भी काल सर्प दोष है और जो भी राहु केतु से परेशान है, घर में बाधा हो रही है और बनते काम बिगड़ जा रहे हैं और भयभीत होने का डर रहता है, तो उनके ऊपर से उतार करके उसे बहती नदी में अगर आप प्रभावित करते हैं तो ऐसा करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। कहते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष या राहु केतु के अशुभ फल दिखाई देते हैं तो वो नारियल का अगर ये टोटका करते हैं तो उन्हें लाभ होता है। इसी के साथ दूसरा टोटका जो है कि अगर उनको नारियल राहु केतु दोष और काल सर्प दोष और शनि दोष है तो उसके लिए उन्हें क्या करना है कि एक सूखा नारियल लेना है और उसमें काला या सफ़ेद रंग का आपको कंबल उसके साथ में अगर दान करते हैं तो कहा जाता है कि काल सर्प दोष है और शनि दोष है वो स्वतः समाप्त हो जाता है। इसके साथ आपको दक्षिणा भी रखना रहेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से दशहरे वाले दिन ही आपको ये करना है। अगर आपको किसी काम में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, कोई काम करने के बावजूद भी आप असफल हो जा रहे हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक जटा वाला नारियल लेना है और जिसमें लाल कलर का सूती कपड़ा भी
आपको लेना है और उसमें लपेट लेना है। और फिर उसको क्या करना है कि जब आप बहते नदी में जाएंगे तो पहले 7 बार अपनी कामना नारियल से आपको कहनी है और उसके बाद उसको बहती नदी में प्रभावित करेंगे। ऐसा करने से जो आपको सफलता नहीं मिल रही है तो धीरे धीरे सफलता मिलने लगेगी। ये टोटका आपको दशहरे के दिन ही करना है। अगर कोई बीमारी हो गई है, कोई संकट आ गया है, तो उसे हटाने के लिए आप क्या करेंगे कि एक साबुत पानीदार आप नारियल ले लेंगे या आप सूखा नारियल भी ले सकते हैं जटा वाला। फिर आपको क्या करना है, जिसको बीमारी है और जिसके ऊपर कोई भी आकस्मिक संकट आ गया है, तो आप क्या करेंगे, उस जटा वाले नारियल में थोड़ा सा देसी घी लगा करके और उसके बाद उसको 21 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उतार लेंगे। और जब रावण जलता है या फिर रावण का वध करते हैं दशहरे वाले दिन, उसी आग में जाकर के उसको भस्म कर देंगे। तो ऐसा करने से कहा जाता है कि जो बीमारी होती है, जो संकट होता है, वो दूर हो जाता है। इसी के साथ में आप हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करेंगे। ऐसा करने से जिनकी बीमारी है, बहुत लंबे समय से चली आ रही है, उससे उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। अगला उपाय है वो ये है, स्थायी नौकरी के लिए अगर आपको परमानेंट नौकरी चाहिए तो आपको क्या करना है कि दशहरे के दिन नारियल के छिलकों को जला करके उसको भस्म कर लीजिए। और जब वो भस्म हो जाए तो क्या कीजिए, नारियल का ही पानी मिला के उसकी एक गुद्दी टाइप का बना लीजिए। फिर उस लुद्दी को 7 पुड़िया बनाइए और 7 पुड़िया बनाने के बाद उसको क्या करना है कि जो 7 पुड़िया को 4 पुड़िया को घर के कोनों पे 4 जगहों पे रख दीजिएगा। फिर 1 पुड़िया को आप अपने घर की छत पर और 1 पुड़िया को आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे जो जिसकी पूजा प्रायः की जाती हो, और 1 पुड़िया अपनी जेब में रखें। सावधानी रखें कि जब आप ये टोटका करें तो किसी की नजरिया, किसी की परछाई ना पड़े और किसी से आप बात ना करें। तब 7 दिन जब बीत जाएगा तब आप इस पुड़िया को एक जगह इकट्ठी कर लीजिए और फिर उनमें से 1 पुड़िया उस स्थान पर रखें जहां आप आजीविका कमाना चाहते हैं, यानी जहां नौकरी के लिए आप जाना चाहते हैं, वहां उसके द्वार पर और उसके कोने पर जाकर के छिपा दे। अगर ये टोटका आप करेंगे तो आपको सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होगा। ये तब की बात है जब आप स्थायी नौकरी के लिए जा रहे हैं और आपकी नौकरी के चांस बन रहे हैं पर आपको लगता है कि आपकी नौकरी नहीं लग पाएगी, तो आप ये टोटका आजमा सकते हैं। ये टोटका आपको दशहरे वाले दिन ही करना है। अगला उपाय है, अगर आप किसी भारी संकट से परेशान हो गए हैं तो संकट से मुक्ति पाने के लिए आप दशहरे के दिन 1 नारियल ले लें और उसको अपने सर के पास रख करके सो जाएं। मतलब आपको दशहरे के एक दिन पहले नारियल लेना है, अपने सर के पास रख करके सो जाना है। किसी भी प्रकार का नारियल ले सकते हैं, जटा वाला, पानी वाला और या फिर आप गरी का गोला भी ले सकते हैं। सुबह उठ करके इसको क्या करेंगे कि बहती हुई नदी में प्रभावित कर दीजिए। ध्यान रखें कि जब आप इसे प्रभावित करेंगे तो आपको 21 बार या 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम रामदूताय नमः। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो जो भी आपका संकट है उससे मुक्ति पाने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम उपाय है। और अगर आप धन लाभ कमाना चाहते हैं तो श्री गणेश जी, धन देवी लक्ष्मी का पूजन जरूर करें और उनको नारियल का भोग जरूर लगाएं और फिर वहां से नारियल उठा के, इसमें आपको गरी का गोला लेना है, फिर ये नारियल उठा करके आपको अपनी तिजोरी में रखना है। अगर आप तिजोरी में रखने के बाद इसको जाकर के राम मंदिर पे समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में जितनी भी निर्धनता है, जितनी भी गरीबी है, जितनी भी धन हानि हो रही है, वो सब दूर हो जाएगी। ऐसा करने से आपको उत्तम फल प्राप्त होगा और आपके घर में लक्ष्मी का निवास हमेशा बना रहेगा, यानी धन की कोई कमी नहीं रहेगी। ये थे दशहरे में नारियल के कुछ उपाय। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपको उत्तम फल प्राप्त होता है और ये उपाय आपको दशहरे के दिन ही करना है। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। नमस्कार।